नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान जल्द, 6 दिसंबर को छपेगी वोटर लिस्ट, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगा तारीखों का ऐलान। दिल्ली से छत्तीसगढ़ जा रही दुर्ग एक्सप्रेस की 4 बोरियों में लगी आग, मुरैना के पास हुआ हादसा। प्रदेश में डिजियाना ग्रुप, कौटिल्य अकेडमी और गुडरिक समूह पर आयकर विभाग का छापा, कर चोरी और आय छुपाने के मामले पर हुई कार्रवाई। प्रदेश में शनिवार और रविवार की छुट्टी के बीच भी खुलेंगे बिजली विभाग के भुगतान काउंटर, उपभोक्ता जमा करवा सकेंगे अपनी बिजली का बिल। प्रदेश में अब महुआ से बनी शराब को नई आबकारी नीति के तहत हेरिटेज शराब के नाम से बेचा जाएगा, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। शिवराज सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल ने दिया विवादित बयान, कहा ठाकुरों की महिलाओं को घरों से निकालकर काम करवाओ तब आएगी समाज में समानता। बयान से मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल, विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरा। भाजपा की कार्य समिति बैठक में हुआ बड़ा फैसला, 2023 चुनाव में 51% से कम वोट मंजूर नहीं, सदस्यों को दिया बड़ा लक्ष्य। अब गीले कचरे से भी बन सकेगी सीएनजी और चल सकेंगी सिटी बसें। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाने की तैयारी, नगर निगम को सालाना होगी करीब 1.5 करोड़ की आय। शिवराज सरकार में नाम बदलने का सिलसिला जारी, अब मिंटो हॉल का नाम बदलकर किया जाएगा कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, सीएम ने किया ऐलान। और आंध्र प्रदेश उड़ीसा में आए गुलाब तूफान का असर, मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने जारी किए अलर्ट, कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश।